हेलो गाइस, वेलकम टू द एजमेंट न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर 4 के कमाल के अपडेट के बारे में, और ये अपडेट है रिलेटिव ट्रेलर से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एवेंजर 4 की कोई भी फुटेज या कोई भी वीडियो YouTube वेबसाइट पे लीक नहीं हुई है ट्रेलर से रिलेटिव। उसके बाद मैं आपको बता दूं ये लीक कैसे हुई है। मार्वल स्टूडियो में कोई एक बंदा काम करता होगा जो कि होगा ब्लैक। उनने पुर्तगाली भाषा में इसका एक टेक्स्ट बनाया डिस्क्रिप्शन में। उस टेक्स्ट के माध्यम से जितनी हमें न्यूज मिली, जितने अपडेट मिले, मैं आपको वो सब एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। और देन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक स्पॉइलर वार्निंग, जो कि आपको अगर नहीं जाननी चाहिए तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहला सीन स्टार्ट होता है एक गांव से, एक खेत से, जहां पर इन्फिनिटी गॉन्टलेट हमें डैमेज दिखाई दिया होता है थैनोस के साथ साथ। उसके बाद पीछे बैकग्राउंड में एक वॉइस आती है हमारे आयरन मैन की, यानी कि टोनी स्टार्क की, कि अब हम हार चुके हैं। और उसके बाद एक सीन दिखाई देता है वकांडा में, जिसमें कि क्वीन जेट लैंड कर रहा होता है। उस क्वीन जेट में होती है हमारी नेब्युला और आयरन मैन। पीछे से एक आवाज आ रही होती है हमारे कैप्टन अमेरिका की कि अब हम बहुत आगे जा चुके हैं। बहुत आगे जाने का मतलब है करीब 5 साल हो चुके हैं। और वकांडा में जब नेब्युला और आयरन मैन उतरे थे तो वो सभी एवेंजर्स को देख रहे थे जो कि बचे हुए थे। और उसके बाद एक सीन हमें दिखाई दिया था है न्यूयॉर्क बैटल का, यानी कि 2000 वाले वाली एवेंजर्स का, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके बाद एक सीन दिखाई देता है शुरी का और ब्रूस बैनर का, जो कि किसी एक मशीन पे काम कर रहे होते हैं। देन उसके बाद एक सीन होता है वकांडा का, जिसमें कि हमें एम बाकू राजा बन चुका है पूरे वकांडा का। देन उसके बाद कुछ एक सीन होता है ब्लैक विडो का, जो कि सीन काफी फास्ट होता है उस प्रिपरेशन के हिसाब से। एक सीन दिखाई देता है हमें हॉकाय का, जो कि अपने घर वापस लौट चुका है और वो सब देख रहा है कि ये हुआ क्या मेरे पीछे। तो हॉकाय क्यों नहीं मरा, इसका भी काफी बड़ा रीजन हो सकता है, हमें वो मूवी में देख के पता चलेगा। एक सीन दिखाई देता है हमें थॉर्स के वेपन का, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है बिल्कुल तरीके से। देन मूवी में तो बहुत ही अलग अट्ठे होगा। उसके बाद एक सीन होता है एंटमैन का, जिसमें कि उसका सिलेंडर खराब हो जाता है और वो किसी विस्फोट से भाग रहा होता है। देन सारे एवेंजर्स का एक एक लुक नजर आता है, जो कि अपने ब्रांड न्यू सूट में होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद एक सीन होता है प्रोफेसर का हल्का, जो कि अपना नए सूट में एकदम अलग हटके दिखाई दे रहा होता है। देन जब वो हल्क बन जाएगा तो वो उसी अवतार और उसी सूट में भी रहेगा, तो काफी अच्छा है। और देन एक सीन थॉर और वेलकरी का, जो कि क्री साम्राज्य की शिप पर होती है, यानी कि उसमें कैप्टन मार्वल भी हो सकती है। देन सारे कैरेक्टरों का एक ब्रांड न्यू लुक हमें नजर आता है, जो कि फ्यूचर से रिलेटेड होता है, यानी कि 5 साल आगे का। और देन एक नया विलेन याकूजा, और 3-4 और विलेन होते हैं इस मूवी में। तो गाइस बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एवेंजर 4 में देखने वाली है। तो ये था वो डिस्क्रिप्शन, जो कि मैंने आपको शॉर्टली और इजी तरीके से समझा दिया। और देन और भी ज्यादा डिटेल है, पर उतनी ज्यादा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्वल स्टूडियो कभी भी इस वीडियो को ब्लॉक मार सकता है या कॉपीराइट सेंड कर दी सकता है। और देन और भी अगर डिटेल पता चलती है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। और गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।